इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर है, और यहाँ पर टक्कर जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही जाति के दो उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी हम बात कर रहे हैं मिश्रा भारती की, जो RJD की प्रत्याशी हैं, लाल प्रसाद यादव की बेटी, और वहीं दूसरी तरफ उनका भी वो सांसद है। ऐसे में तमाम महिलाएँ जो है यहाँ पर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप स्वागत में खड़ी हैं मिश्रा भारती के, क्या लगता है महिला हैं आप जीत जाएंगी? देखिए हम लोग तो बहुत देर से खड़ा हैं, हमारे निशा दीदी गरीब का नेता हैं, गरीब के मसीहा हैं, इसलिए कि मेरा देखते हैं कम से कम तो 1-1.5 हज़ार लगता है हमारा बहनों खाली आया है। जेंट्स तो है ही हैं, मेरे 1-1.5 हज़ार लगता है हमारा खाली बहनों आए हैं, 2 हज़ार से कम नहीं है। मगर हम कहना चाहते हैं कि देखिए हमारा दीदी के पूरा जीत है निशा भारती जी के, और जीतेगा, इसलिए यदि उनको जनता नहीं चाहता तो इतना भीड़ नहीं लगता, इसलिए कि उनको जनता चाह रहा है। जो अगले पार्टी हैं यदि जो चुनाव लड़ रहे हैं मेरे अमी वर्धमान में, वो यदि हमारा क्षेत्र में सेवा करते तो फिर ऐसा नहीं होता, इसलिए कि हर मु जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हमने लोग के ही क्षेत्र में, जहाँ निशा दीदी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तहाँ पाटलिपुत्रा क्षेत्र में हर जगह हर लोग के मुंह पर है निशा भारती जिंदाबाद, निशा भारती जिंदाबाद। इसलिए मैं कहना चाहते हैं कि कहता है कि लालू फूलों में धमक नहीं और नखड़ा दिखाने वाला पर चमक नहीं, हमारा चमक है लांटन छाप। जय हिंद जय भारत। आपका क्या कहना है मिश्रा भारती को लेकर, इस बार चुनावी रन में उतरी हैं, वो वापस से आई हैं, तो क्या इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है? पहले तो न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं लक्ष्मी कुमारी वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य हूँ। मैं तो जीती थी इस उम्मीद से कि हमारी योजना मिलेगा, मैं जनता को सेवा करूँगी, बट ये सारा सपना मेरा ऐसा ही रह गया। क्यों ऐसा क्यों रह गया, मतलब क्यों? क्योंकि मेरा हम लोग बोलते हैं कोई काम ही नहीं है, वार्ड सदस्य का कोई रोल ही नहीं है, तो हम लोग के रोल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग जीते क्यों? हम लोग तो ऐसा कोई सीट ही नहीं रखना चाहिए कोई वार्ड सदस्य का, जब वार्ड सदस्य का कोई इसमें भागीदार ही नहीं है तो ऐसा चुनाव लड़ा करवाना ही नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको, मिश्रा भारती एक महिला हैं और ऐसे में अगर आप लोग उनको जीत दिलाती हैं, अगर वो जीत जाती हैं तो क्या वो महिलाओं की बातों को सुनेंगी? जी 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 बिल्कुल सुनेंगे, हम लोग तो बहुत उम्मीद लेकर मिश्रा भारती को जिताना चाहते हैं भारी मतों से, कि अगर वो जीत जाती हैं तो हम लोग को कुछ राहत मिलेगा, गरीब का राहत मिलेगा। सबसे बड़ी मुद्दा तो हम लोग का है कि गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, गरीब के बच्चों का बड़ा बड़ा सपना रहता है पढ़ने का। शिक्षा को लेकर आप बात कर रही हैं, तो जो सरकार में सत्ता में जो सरकार है वो भी तो शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा आगे, वो सरकार क्या करेगा, कुछ नहीं किए। हमारे भैया 17 साल रहे हैं, नीतीश जी, नीतीश चाचा 17 साल रहे हैं, क्या किए हैं? और 17 महीना में हमारे भैया 5 लाख के नौकरी दिए, 3 लाख के नौकरी दिए, क्या देख रहे हैं? पूरा बिहार व्याकुल हो गया है कि हमारे तेजस्वी भैया हमारे आना चाहिए गरीबों के बीच में। इसलिए मैं कह देना चाहते हैं जितने हमारे भाई बहन जितने आए हैं मेरे नाम, आप देख सकते हैं यहाँ पर शोर जो है वो शुरू हो गया है, मिश्रा भारती यहाँ पर आ गई है। ऐसे में जो तमाम समर्थक हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनके आने को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। मंदिर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, मिश्रा भारती जीतेंगी? जीतेंगी मिश्रा भारती, उनके समर्थन में आई? हाँ जीतेगा, जीतेगा, जीतेंगी। महिलाओं के लिए मतलब महिला है वो आगे आई है, वो जीत जाएंगी? हाँ जीतेगा। आप क्या कहेंगे दीदी, जीतेंगी मिश्रा भारती? वोट किसको? जीतेंगे, जीतेंगे। वोट किसको दीजिएगा? निशा भारती को, उन्हीं को दीजिएगा? तो यहाँ पे तमाम ऐसी महिलाएं हैं, क्या कह रही हैं? उनके देंगे, उन्हीं को दीजिए। हाँ पिछले बार भी तो दी थी उनको वोट, हाँ पिछले बार भी दी थी। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो आई हुई हैं, महिलाएं जो हैं यहाँ पर तमाम, और भी जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है सर चुनाव को लेकर के जो इस बार का राजनीतिक माहौल है बिहार में, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीतिक माहौल तो बहुत अच्छा है, और इंडिया गठबंधन जो है बहुत भारी बहुमत में सीट आ रहा है उसका, और जो है यहाँ की हम लोग के पाटलिपुत्रा लोकसभा से निशा भारती जो हैं ये बहुत अपार मतों से जीत रही हैं, और
जो हमारे पहले जनप्रतिनिधि थे उन्होंने काम नहीं किया है और जनता भी जो है पाटलिपुत्रा की जनता जो है बहुत खफा है उनसे और यही सब बात है। दो बार उनको मौका दिया गया है और ये तीसरी बार जब अब चुनाव हो रहा है इसमें क्या सही में यहाँ की जो पाटलिपुत्रा की जनता है वो परिवर्तन चाहती है? जी जी, इसलिए कि दो बार से रहते रहते उनको जो है पब्लिक भी जो है मतलब कि हताश हो गया है, इसीलिए जो चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग भी मन बना है और पाटलिपुत्रा की जनता भी जो है यही चाह रही है कि अब मीसा भारती को। यहाँ पर जो इस बार चुनाव हो रहा है सर, ये इस बार यादव वर्सेस यादव का है, तो इस पर क्या कहेंगे, एक ही जाति के दो लोग दो पार्टी? नहीं नहीं, देखिए यादव वर्सेस यादव से बात नहीं है, बात है व्यक्तित्व पर वोट मिलना और जो है यादव का बात है तो उनका जो है समर्थन जो मीसा भारती को ज़्यादा है उनका, और प्लस मुस्लिम है और दलित लोग का भी जो है बहुत अपार जो है उसमें इसका योगदान है। आप क्या कहेंगे सर मीसा भारती को लेकर, आज यहाँ आ रही है वो और तीसरी बार, और क्या जीत जाएंगे? हाँ जी, भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ पर तमाम और भी जो कार्यकर्ता है समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में अंदर का अगर हम आपको नजारा दिखाएंगे तो अंदर भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है यहाँ पर। सर मीसा भारती आ रही है, इस बार क्या लगता है आपको, जीत उनकी सुनिश्चित है? सुनिश्चित से जीत जाएंगे। हाँ जी, भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ पर तमाम और भी जो कार्यकर्ता है समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में अंदर का अगर हम आपको नजारा दिखाएंगे तो अंदर भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है यहाँ पर। सर मीसा भारती आ रही है, इस बार क्या लगता है आपको, जीत उनकी सुनिश्चित है? सुनिश्चित से इस बार सपोर्ट है उनको, मतलब पाटलिपुत्र की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, हर हालत में बदलाव चाहती है, परेशान एकदम त्रस हो गया 10 वर्ष में। क्यों, तब यहाँ की जनता तो जिताई होगी ना विपक्ष? जिताती है उम्मीद के लिए ना, उम्मीद नहीं, उम्मीद पर जो उम्मीद पर जिताती है, उम्मीद बेउम्मीद होगी आदमी तब बदलना ही ना चाहेगा आदमी, तो अब बदलाव की जरूरत है यहाँ पर। बदलाव की जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है, इसलिए कि इसको बदलना बहुत जरूरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भाईचारा खत्म हो रहा है। किस भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हिंदू मुस्लिम सब बांट बांट के ऐसे राजनीति होता है, देश ऐसे चलता है कि संविधान से चलता है, लोकतंत्र खत्म कर दिया। जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान का मुद्दा लगातार उठता रहा है। संविधान, संविधान से देश चलता है, संविधान है तब ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो हम लोग हैं तब ना चुनाव हो रहा है, अगर संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो फिर चुनाव भी खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा? पर देख सकते हैं आप तमाम जो सपोर्टर्स हैं मीसा भारती को लेकर एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, पूरे की पूरी पाटलिपुत्रा की जनता जो है यहाँ पर एक्टिव हो गई है। ऐसे में जो युवा है हमारे बीच, हम इनके बीच क्या कहेंगे सर मीसा भारती को लेकर आप इस बार? इस बार मीसा भारती की जीत सुनिश्चित है, इसके पहले जो रामकृपाल यादव यहाँ के सांसद रहे हैं वो जीतने के बाद कहीं भी नहीं गए, कोई विकास की गति उनके रहते नहीं हुई है। मीसा भारती भले ही ना जीती हो लेकिन क्या वो क्षेत्र में आती थी? क्षेत्र में आती थी, दुख सुख में भाग लेती है और उनके जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है वो पार्टी सबसे ज़्यादा जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं 17 महीना में सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, इससे उनके प्रति आस्था है कि वो जरूर जो कमिटमेंट करेंगे उसकी पूरी करेंगे, उम्मीद है। विपक्ष तो सर इस पे सवाल उठाती है कि उनके कार्यकाल में नौकरियां बांटी गई, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते ना, सच्चाई ये तो 17 वर्ष में क्यों नहीं बांट दिए थे? 17 वर्ष में क्यों नहीं बांट दिए? 17 महीना में ठीक ही नहीं बांटे तो 17 वर्ष में क्या नहीं बांट दिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने मंच से बोला था कि पहले ही पेपर पास हो गया था, वो तो जब हम इसके साथ आए तब जाके नौकरी। वो तो जब घोषणा किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी बांटते, कहीं कहाँ से लाके देगा वो, अपने बाप के यहाँ से लाके देगा, यही बात ना बोले थे? हम लोग नहीं सुनते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं, यही बात बोले थे कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा, अब बांट दिए थे कि हम दिए हैं तो 17 वर्ष में काहे ना बांट दिए थे? मतलब इस बार समर्थन, जनता को कितना बुरोक बनाइएगा पहले बताइए, जनता को बेवकूफ कितना बताइएगा, झूठ सच करते करते जनता सब परेशान हो गया, सब समझ गया है, 10 वर्ष बहुत सब समझ गया, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में अब बदलाव दिल्ली की सरकार को सब समझ गया है, अब बहुत दम बदलाव आती हो गया, दम परेशान हो गया आदमी। 400 पार का जो नारा है विपक्ष का, क्या लगता है आपको, बिहार में कहते हैं कि 40 के 40 सीट जीतेंगे? बिल्कुल गलत, एक को नहीं जीतेगा वो, क्या कहें? बिल्कुल गलत है, अबरी
शून्य पर आउट हो जाएगा बीजेपी पार्टी एनडीए गठबंधन। इस बार समर्थन है पूरा, तो देख सकते हैं आप इस बार जो विपक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं 440 सीटों की अगर बिहार में बात करें उसे लेकर, और तेजस्वी यादव हमेशा से कहते रहे कि जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, ऐसे में जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा मीसा भारती के समर्थन में, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि इस बार जो टक्कर होने वाली है बिहार के पाटलिपुत्रा सीट पर विपक्ष और पक्ष के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और ऐसे में हम भी मौजूद हैं यहाँ पर, मीसा भारती यहाँ पर आ चुकी हैं, और ऐसे में तो जनता यहाँ पर क्या कुछ कह रही थी हमने आपको सुनाया। दर्शकों, पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।